वैदिक मैथ सीरीज के एडवांस लेवल के आपके चैप्टर नंबर 10 मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री डिजिट्स नंबर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम थ्री डिजिट्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वैदिक तरीके से वो सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, हमने टू डिजिट्स का लास्ट वीडियो में किया था। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 124 एंड 203 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपने जो मेथड अपनाना है, टू डिजिट में तो हमारे पास क्या था, दिस वन क्रॉस मल्टीप्लाई था और उसके बाद ये था। बट यहाँ पे आपके पास ये होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड देन इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों नंबर्स को और इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे एंड टू को ज़ीरो से, और फिर लास्ट में इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फिर हमारे पास लास्ट में ये, मतलब हमें इसको फाइव स्टेप में डिवाइड करना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपने 4 × 3 करना है, 4 × 3। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 × 3 प्लस 0 × 4, ठीक है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, 1 × 3 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 2 × 0, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को 1 × 0 प्लस 2 × 2 और लास्ट में 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 × 3 = 12, 2 × 3 = 6, 6 + 0 दिस इज 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में 1 × 3 हो गया, प्लस में 8 हो गया और 0 हो गया। इन सभी को आप ऐड करेंगे, 3 + 8 = 11, 11 + 0 = 11, इनका सम कितना हो गया, 11 हो गया। 1 × 0 = 1, 2 × 2 = 4, तो इनका आंसर कितना हो गया, 4 एंड 1 × 2 कितना हो गया, 2। लास्ट में जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे तो क्या होगा, दिस इज 2, 1 कैरी है, 1 कैरी ऐड करेंगे, 7, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है तो इसमें 1 हो जाएगा, ये जो 1 कैरी होके इसमें ऐड होगा 5 हो जाएगा और फिर ये हो गया 25172, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्टिंग में हमें लगता है, देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बहुत टाइम लगता है, और फिर जब हमारे पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो साथ ही साथ हमने क्या करना है, 3 × 4 = 12, तो मैं यहाँ पे इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 3 × 4 = 12 का मैं 2 लिखूँगा, मेरे दिमाग में 1 है। फिर मैंने कैलकुलेट किया, 2 × 3 = 6 प्लस 0, 6, 6 + 1 = 7, तो मेरा ये आ गया, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 × 3 = 3, 2 × 4 = 8, 3 × 8 = 11 एंड 0, 11, 11 का 1 हो गया। फिर 1 × 0, 1 कैरी भी था, 1 × 0 = 0, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5 हो गया, 1 × 2 = 2 हो गया, तो 25172 हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। एक क्वेश्चन और करते हैं, सपोज हमारे पास है 235 एंड 724, सपोज हमारे पास ये है। आपको समझाने के लिए मैं इसके 5 पार्ट्स ही बना लेता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 × 4 किया, उसके बाद यहाँ पे हमने 3 × 4 प्लस 2 × 5, ठीक है, दिस इंटू दिस। नेक्स्ट में दिस 2 × 4 प्लस 2 × 4 प्लस 7 × 5 प्लस 3 × 2, ये वाला। इसके बाद दिस इंटू दिस 2 × 2 प्लस 7 × 3 और लास्ट में 2 × 7। अब पिछले की तरह हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 20, ये कितना हो गया, 20 हो गया। 3 × 4 = 12 एंड 2 × 5 = 10, 12 + 10 ये हमारे पास कितना हो गया, 22। 2 × 4 = 8 बन गया, 7 × 5 = 35 एंड 6, ये हमारा 35 बन गया और ये हमारा 6 बन गया, 8 = 35, 43 + 6 = 40,
9, 43 प्लस 6 49 हो गया, 2 टू जा 4, 7 थ्री जा 21, तो ये बन गया 25, दिस इज 25, एंड 2 7 जा यहाँ पे कितना बन गया 14, क्या है यहाँ पे हमने क्या लेना है 0, ये 2 आगे जाके ऐड कर दीजिए, 2 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, फिर जो ये 2 बचा यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये 51 हो जाएगा, 2 9 51, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 25 प्लस 5 ये 30 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 17, 170140 इज योर आंसर, इट वाज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 विद 2 दिया हो तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है, ऐसे ही हम आगे 4 डिजिट्स के भी कर सकते हैं। चलिए, इसकी भी प्रैक्टिस के लिए आपको एक PDF दिया है, तो आप उसमें से प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।